अस्सलाम वालेकुम। क्या आप भी अपने लिए एक YouTube चैनल क्रिएट करना चाहते हैं? अपना भी एक चैनल ओपन करके आप अपना उसके ऊपर में वीडियोस अपलोड करना चाहते हैं तो फिर ये वीडियो आपके लिए है। जो भी स्टेप्स मैं आपको बताऊंगा, सारे स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं ताकि आपको कोई भी परेशानी ना हो। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ईमेल आईडी क्रिएट कर लेना है नया। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप नया ईमेल आईडी ज़रूर से ज़रूर क्रिएट कर लीजिए। कैसे ईमेल आईडी बनाना है उसके, अगर वो नहीं पता तो उसके बारे में आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। आप उसको फॉलो करके आप अपने लिए एक नया ईमेल आईडी बना सकते हैं। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, एक नया ईमेल आईडी बनाइए। नया ईमेल आईडी बनाने के बाद में आपको करना क्या है, आपको सिंपली उसको इस डिवाइस में लॉगिन कर लेना है। तो इस फोन में लॉगिन करने के लिए आप क्या कीजिएगा, सिंपली आप सेटिंग्स में आइएगा। सेटिंग्स में आने के बाद में आपको सिंपली करना क्या है, आपको सिंपली नीचे आना है, स्क्रॉल यानी स्क्रॉल अप करके आपको यहाँ पर नज़र आ जाएगा यूजर्स एंड अकाउंट्स, या फिर मैं सिंपली आपको बताऊंगा कि आप सर्च कीजिए यूजर्स एंड अकाउंट्स, या फिर सिंपली आप अकाउंट्स ऐड अकाउंट क्लिक कीजिएगा तो भी आ जाएगा। ऐड अकाउंट आप सर्च कीजिए इसके ऊपर में, आपको नज़र आ जाएगा यहाँ पे। ऐड अकाउंट जैसे आप सर्च कीजिएगा तो आपके यहाँ पे नज़र आ जाएगा ऐड अकाउंट। सिंपली आप यहाँ पे आकर के आपको नज़र आ जाएगा ऐड अकाउंट। सिंपली आप ऐड अकाउंट पे क्लिक कीजिए और यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से आता हूँ सिंपली यूज़र्स एंड अकाउंट्स, उसके बाद में आपको सिंपली ऐड अकाउंट पे क्लिक करना है और यहाँ पे गूगल पे क्लिक करना है और आपको अपना ईमेल आईडी यहाँ पे इंटर कर देना है और लॉगिन हो जाना है। ये आपसे पासवर्ड पूछेगा, मोबाइल का जो पासवर्ड है लॉक पासवर्ड, वो आपसे पूछेगा, वो आप यहाँ पे इंटर कर दीजिए या फिर फिंगरप्रिंट डाल दीजिए। इसके बाद में आपको यहाँ पे बताएगा ईमेल और फ़ोन नंबर डालने के लिए। तो सिंपली आप यहाँ पे आप अपना वो ईमेल आईडी इंटर कर दीजिए जिस पे आप अपना यूट्यूब चैनल बनाना चाहते हैं। तो सिंपली मैं क्या करूँगा, यहाँ पे वो इंटर कर दूँगा। मैंने वो ईमेल आईडी इंटर कर दिया, gmail.com आप टाइप कीजिए या नहीं कीजिए उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ये मैं वैसे टाइप कर देता हूँ। उसके बाद आपको सिंपली नेक्स्ट बटन पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपसे पासवर्ड पूछेगा तो आप अपना पासवर्ड यहाँ पर इंटर कर दीजिए जो ईमेल आईडी बनाते वक्त आपने वहाँ पे इंटर किया था। जैसे आप अपना पासवर्ड इंटर कर दीजिएगा उसके बाद में आपको सिंपली नेक्स्ट बटन पे आपको क्लिक करना। जैसे आप नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अगर आपसे पूछता है कि हाँ आप अपना फ़ोन नंबर यानी ऐड फ़ोन नंबर इंटर करने के लिए पूछेगा। अगर आप फ़ोन नंबर इंटर करना चाहते हो तो आप इंटर कर सकते हैं। वैसे मैं यस आई एम इन पे क्लिक कर देता हूँ और मैं यहाँ पे फ़ोन नंबर इंटर कर दूंगा अगर पूछेगा तो, वरना आप सिंपली आई एम इन पे क्लिक करके आप सिंपली आई एग्री पे क्लिक कीजिए। उसके बाद में जो है आपका ईमेल आईडी लॉगिन हो जाएगा सक्सेसफुली। अगर आपसे पूछता है पासवर्ड सेव करने के लिए तो आप पासवर्ड यहाँ पे सेव भी कर सकते हैं। मैं जैसे यहाँ पे सेव कर लेता हूँ। उसके बाद में आपको क्या करना है, इसके बाद में आपको पहला काम हो गया, आपने लॉगिन कर लिया। उसके बाद में दूसरा काम है कि आपको क्रोम ब्राउज़र का जितना भी उसके अंदर में स्टोरेज यूजेज स्टोरेज है उसको क्लियर करना है ताकि आप मेरे स्टेप्स को फॉलो कर पाएंगे। सिंपली आप क्रोम ब्राउज़र के ऐप इन्फो में जाइए, आप यहाँ से भी आ सकते हैं या फिर आप सिंपली सेटिंग्स से भी जा सकते हैं। सेटिंग्स में सिंपली कैसे जाना है उसका, उसके बारे में जो है लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। सिंपली आप स्टोरेज यूजर्स पे क्लिक कीजिए और यहाँ पर आने के बाद में आपको नज़र आएगा मैनेज स्पेस। सिंपली आप इसके ऊपर में क्लिक करके यहाँ से क्लियर ऑल डेटा पे क्लिक करके क्लियर कर दीजिए, ओके कीजिए। ये डेटा यहाँ से क्लियर हो जाएगा और यहाँ से क्लियर कैश पे भी क्लिक करके क्लियर कैश कर दीजिए। जैसे ही आप ये दूसरा काम भी कर लेते हैं, कैश को क्लियर कर लेते हैं, स्टोरेज यूजेज स्टोरेज को, उसके बाद में आपको सिंपली क्रोम ब्राउज़र ओपन करना है। जैसे आप क्रोम ब्राउज़र ओपन कीजिएगा तो आपको इस तरीके से वेलकम स्क्रीन आएगा, तो एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू पे क्लिक कीजिए। फिर उसके बाद में लाइट मोड इज़ ऑन, इसको रहने दीजिए। उसके बाद में आप सिंपली नेक्स्ट बटन पे आप क्लिक कीजिए। उसके बाद में अगर आपसे यहाँ पे पूछता है टर्न ऑन सिंक, तो आप यहाँ पे उस ईमेल आईडी को सेलेक्ट कर लीजिएगा जो ईमेल आईडी जस्ट आपने इसके अंदर में लॉगिन किया है। मैंने उसको सेलेक्ट किया, जैसे उसके ऊपर में टाइप करेंगे तो ये थोड़ा सा टाइम ले सकता है, या फिर एक से दो बार और टाइप करके आप इस पर देख सकते हैं, या फिर जैसे आपने इसको टाइप कर दिया उसके बाद आप सिंपली बैक बटन प्रेस कीजिएगा तो आपको यहाँ पे नज़र आ जाएगा कि हाँ आपने सेलेक्ट कर रखा है, ये वाला आपने ईमेल आईडी सेलेक्ट कर रखा है। ठीक है, आपने जो उसको सेलेक्ट किया और बैक बटन जैसे प्रेस किया आपने तो वो सेलेक्ट हो चुका है। अब आपको करना क्या है, यस आई एम इन पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप यस आई एम इन पे क्लिक कीजिएगा तो आप इसके अंदर में यानी ये क्या करेगा कि ये आपको डायरेक्टली होम स्क्रीन पे लेकर के चले जाएगा। ये हो गया क्रोम का होम स्क्रीन जहाँ पे आप पहले से ही लॉग इन हैं। सपोज करते हैं कि आप वहाँ से लॉग इन नहीं हो पाए हैं जो अभी मैंने बताया, तो फिर आपको करना क्या होगा, आप सिंपली यूट्यूब पे सर्च कीजिए, यानी सिंपली आप youtube.com पे आ जाइए। जैसे आप youtube.com पे आते हैं उसके बाद आपको कुछ इस तरीके से इंटरफेस नज़र आएगा। तो सिंपली आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको नज़र आएगा 3 डॉट, सिंपली आप इसके ऊपर में क्लिक कीजिए। यहाँ पे आप इसको डेस्कटॉप साइड पे क्लिक कर लीजिए। जैसे ही डेस्कटॉप साइड पे क्लिक कीजिएगा तो आपके पास में जो डेस्कटॉप मोड होता है वो ऑन हो जाएगा। उसके बाद में आपको यहाँ पे
राइट साइड में आपको नज़र आएगा टॉप में साइन इन का ऑप्शन, सिंपली आप साइन इन के बटन पर क्लिक करके साइन इन कर सकते हैं। साइन इन अगर पहले से रहेंगे तो आपका यहाँ पे फोटोज़ वगैरह नज़र आएगा, जैसे मैं साइन इन करके आपको मैं बताता हूँ। जैसे आपने साइन इन पर क्लिक किया, अगर यहाँ से आप वो ईमेल आईडी चूज़ कर लेते हैं जो ईमेल आईडी आपने डिवाइस में लॉगिन किया है, तो यहाँ से ये ओपन हो जाएगा। मैं क्या करूँगा, सिंपली स्किप पे क्लिक कर दूँगा, उसके बाद मैं यहाँ पे ईमेल और फ़ोन नंबर पे क्लिक करके मैं सिंपली अपना ईमेल आईडी वो इंटर कर दूंगा, जो भी ईमेल आईडी मैंने यहाँ पे देना है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे टेक कटिंग वाला जो ईमेल आईडी मैं यहाँ पे दे दूंगा, टेक कटिंग डेमो वो मैं यहाँ पे दे सकता हूँ। जैसे टेक कटिंग डेमो मैंने यहाँ पे दिया, उसके बाद में आपको सिंपली करना है क्या, नेक्स्ट बटन पर आपको क्लिक करना है। यानी सिंपल सी बात है, आपने जो ईमेल आईडी क्रिएट किया उससे यहाँ पे आप साइन इन हो जाइए, अपना लॉगिन कर लीजिए। मैंने ईमेल आईडी इंटर किया, ईमेल आईडी के बाद मैंने यहाँ पे पासवर्ड इंटर किया, उसके बाद आपको सिंपली नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है और यहाँ पे आप लॉगिन हो जाइएगा। अगर यहाँ पे आपसे ये पूछता है कि यू आर साइंड इन, अगर यहाँ पे आपको बताएगा कि हाँ आपको अपना एड्रेस यहाँ पे फिल करना है और यहाँ पे आपको अपना फ़ोन नंबर वगैरह जो है वो डालना है यहाँ पे, अगर इस तरीके से ऑप्शन आता है तो फिर आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं, आप सिंपली यहाँ पे नॉट नाउ पे क्लिक करके कर दीजिए इसको, आप आगे बढ़ जाइए। क्योंकि मैं आपको फ़ोन नंबर फर्दर ऐड करना, रिकवरी ईमेल आईडी ऐड करना, मैं सारे आपको बताऊंगा ईमेल आईडी से रिलेटेड, वो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। सिंपली आप नॉट नाउ पे क्लिक कीजिए। अगर पासवर्ड सेव करने के लिए पूछता है तो आप पासवर्ड यहाँ पे सेव कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे पासवर्ड सेव कर दिया। अगर ये रीडायरेक्ट कर देता है आपको यूट्यूब पे और उसके बाद में फिर से यहाँ पे लेकर के आ जाएगा, यानी जैसे ही रीडायरेक्ट करेगा यूट्यूब पे, उसके बाद में यहाँ पे आपको वो ले करके आ जाएगा। अब आपको करना क्या है, अब देखिए आपको नज़र आ गया यहाँ पे आपका जो ईमेल आईडी होगा ना, ईमेल आईडी पे जो नेम होगा उसका फर्स्ट कैरेक्टर यहाँ पे आएगा। उससे पहले आपको करना क्या, थ्री डॉट पे फिर से क्लिक करना है, उसको फिर से डेस्कटॉप साइट पे आपको क्लिक कर लेना है। उसके बाद में जैसे आप डेस्कटॉप साइट पे क्लिक कर लीजिएगा तो अभी देखिए पहले आ रहा था यहाँ पे साइन इन, अगर ये नोटिफिकेशन के लिए पूछता है तो फिर आप इसको ब्लॉक कर सकते हैं, इसको ब्लॉक कर दीजिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, इसके नोटिफिकेशन की हमें ज़रूरत नहीं है। अगर ये इस तरीके से आता है तो इसका मतलब ये है कि मैंने जो अभी वीडियो रिकॉर्डर ऑन कर रखा है ना, उसके वजह से है कि ये यानी डिसेबल नहीं हो पा रहा है। तो मैं इसको सिंपली क्या करूँगा, सिंपली आप कैंसिल बटन में क्लिक कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, आप कैंसिल बटन में क्लिक कर दीजिए। उसके बाद में अभी आप देखिएगा तो यहाँ पे साइन इन का ऑप्शन आ रहा था, अभी साइन इन के बटन के जगह पे क्या आ रहा है, अभी टी आ रहा है, यानी जो फर्स्ट लेटर है ना, फर्स्ट कैरेक्टर है जो नेम का वो आ रहा है यहाँ पे। तो सिंपली आपको करना क्या है, आपको इसके ऊपर में क्लिक करना है फर्स्ट कैरेक्टर पे जो भी या फिर आपके फोटो पे, उसके बाद में आपको यहाँ पे नज़र आ जाएगा क्रिएट अ चैनल। सिंपली आप इसको ऊपर क्लिक करके आप अपना एक यूट्यूब चैनल क्रिएट कर सकते हैं। सिंपली मैंने इसको ऊपर क्लिक किया, उसके बाद में यहाँ पे जो भी आपका नेम होगा वो यहाँ पे बताएगा कि आप यानी जो भी आपका नेम आपके ईमेल आईडी पे होगा तो वो जो है यहाँ पे आ जाएगा ऑटोमेटिक। आप इसको चाहे तो यहाँ से चेंज कर सकते हैं, जो भी आप नेम रखना चाहे आप यहाँ पे नेम रख सकते हैं, बट जो आपका नेम रहेगा वो बाय डिफ़ॉल्ट वो यहाँ पे आकर के आपको शो कर देगा। सिंपली आपको करना क्या है, सिंपली क्रिएट चैनल पे क्लिक करके आप यहाँ पे क्रिएट कर लीजिए, या फिर जो भी आपको नेम यहाँ पे चेंज करना, नेम आप चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने सिर्फ टेक कटिंग डेमो है मैंने नाम दे रखा है, तो यही नाम यहाँ पे आ गया, मैं यही रहने दूंगा। उसके बाद में आपको सिंपली क्रिएट चैनल पे आपको क्लिक करना है और आपका चैनल जो है वो क्रिएट हो जाएगा। अभी देखिए लोड हो रहा है। अब यहाँ पे कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका जो चैनल है वो क्रिएट हो चुका है। अब इससे फर्दर जो नेक्स्ट स्टेप है वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। जब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में जिसको ज़रूरत है इस वीडियो की, और हाँ किसी भी सोशल नेटवर्क पर फॉलो नहीं कर रखे हैं तो हर एक सोशल मीडिया पर मुझे फॉलो कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके के इंटरेस्टिंग वीडियो में, और इस कोर्स को इस प्लेलिस्ट को फॉलो करने के लिए डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, उसको आप वहां से एक्सेस कर सकते हैं। आपको सारे स्टेप बाय स्टेप जितने भी वीडियोज़ आते रहेंगे उसी प्लेलिस्ट में आपको मिलते रहेंगे। और हाँ, ये वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए इस चैनल का सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बिना सब्सक्राइब किए हुए मत जाइएगा, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि मैं आपको एक एक स्टेप बताता चलूं और एक एक वीडियो जो है वो आपको मिलता रहे और आप एक स्टेप बाय स्टेप आप अपना कदम बढ़ा सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, आप अपने फैमिली का ख्याल रखिए। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।